So, आज मैं तुम्हें सुनाने वाला एक हॉरर स्टोरी जो पाकिस्तान से है। मैं सुना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो अभी हम रिएक्ट करेंगे तो मजा नहीं आएगा मुझे। सो एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान से जिसका नाम है साया ऑफिशियल। वो लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हॉरर जगहों पे जाते हैं, वहां जाके कुछ वीडियोस बनाते हैं। बेसिकली वो एक्सप्लोर करते हैं कि वो जगह सही में हॉरर है या फिर नहीं है। सो आज से 2 साल पहले इन लोगों ने ये वीडियो अपलोड किया था 25 नवंबर 2020 में, जिसमें एक ये फैमिली का घर विजिट करते हैं जहाँ पे 5 साल से पिछले कोई भी नहीं रहता है। उस टाइम के 5 साल, अभी से 7 साल। वहाँ जो फैमिली थी वो उस घर को रेनोवेट कर रहे थे, पूरा फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। बट देन वहां पे कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई जिसकी वजह से वो घर उन्हें ऐसे ही छोड़ना पड़ा। सो उन्होंने जो घर बनाया था उसके बैक साइड में एक नीम का पेड़ होता है। सो एक बार क्या होता है, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो सबसे बड़े दादू बोले तो एक दिन रात के समय वो उस नीम के पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं, तभी अचानक से वो जिस चारपाई पे सो रहे होते हैं वो पलट जाती है और वहां पे कोई भी नहीं होता है। फिर उन्हें पता लगता है कि उनकी जो चारपाई है वो वहां पे किसी आत्मा ने पलटी है। कैसे? क्योंकि ऐसा उनका कहना था कि उनकी चारपाई पलटने के बाद उनसे किसी ने कहा था कि आज के बाद यहाँ कभी मत सोना, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन घर के जितने भी सदस्य थे उन्होंने इस बात के बारे किसी को नहीं बताया। पर कुछ समय के बाद उनके घर में और भी ज्यादा अजीब चीजें होने लगी, जैसे जो भी बच्चे उस नीम के पेड़ के नीचे खेलने जाते थे उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, और ऐसा एक नहीं 3 बच्चों के साथ हुआ था। तो जब इतनी सारी चीजें होने लगी तो उन्होंने सब बताया। फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि हम लोग किसी जादू टोने वाले को बुला के लाते हैं जो ये सब चीजें सही कर सके। वैसा ही होता है, वो एक बंदे को बुला के लाते हैं। उसको ये पता चला कि यहाँ पर जिन्नात का पूरा घराना आबाद है। उसने जब अपनी पढ़ाई करके इस घर को खाली कराने की कोशिश की, और उसके साथ भी वही सेम चीज हुई जो बच्चों के साथ हो रही थी। उसके भी हाथ पैर मुड़ गए और वो भी चोक हो गया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। ये सब चीज होने के बाद वहाँ पे जो भी एनर्जी थी, आत्मा थी, जन था, वो भड़क गया और घर के लोगों को घर में नहीं रहने दिया। फिर उन्हें वो घर छोड़ के जाना पड़ा और वो घर आज भी ऐसे ही पड़ा है। सो इसके बाद ये लोग घर के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, और घर के अंदर जाते ही वो घर देखते ही डर लग जाएगा तुम्हें, ऐसा दिखता अंदर से। गेट क्यों लगाया इन लोगों ने, मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि अंदर जो भी है वो बाहर ना निकल के भाग पाए। भाई ये गलत करा तुमने। एक गाड़ी वगैरह देखे वो अपनी किस तरीके से, तो बिल्कुल ही ये देखें, ये दरवाजा शाहिद, अल्लाह अकबर, ये देख दरवाजा, ये देख ये दरवाजा, ये देखें। उनमें से भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी ये सब चीजें जो है हवा से हो रही है, हवा चल रही होगी उसकी वजह से विंडो हिल रही होगी, गेट हिल रहा होगा या फिर कुछ और बज रहा होगा, बट तुम लोग गलत हो। अल्लाह अकबर यार खुरम। तुम देख सकते हो जैसे ही उन लोगों ने गेट अंदर की साइड खोला, पीछे किचन में एक डोर जो है वो खुल गया। सडनली जाके दिखाते भी हैं कि उधर कोई चीज नहीं होती है, बट अभी ये शुरुआत है, इससे भी खतरनाक खतरनाक चीज होनी बाकी है अभी। शाहिद, शाहिद, देन सडनली तुम साइड में विंडो देख सकते हो जो खुद से खुलना शुरू हो जाती है। शाहिद, शाहिद, देन वहाँ पे जो रूम्स बने होते हैं वो उनके अंदर जाते हैं, और वहाँ देखते ही तुम्हें इतना अजीब सा लगेगा कि यहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है। अल्लाहू अकबर, ये देखे। एंड सडनली उनके अंदर जाते ही जो है गेट भी खुद से बंद हो जाता है। सो अभी तक की चीजें तुम देख के ये सोच रहे हो कि ये सारी चीजें जो आसानी से फेक करी जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकता, ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं यही कर रहे हो जिससे कि इनका वीडियो इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ पे भी गलत हो, क्योंकि आगे होने वाली जो चीजें हैं उनका तो देखो तुम, छोड़ो। वहां पे उन कमरों में पड़ी हुई एक कुर्सी जो है खुद से हिलने लगती है, जिसको देख के तुम्हें समझ में आएगी कोई किसी भी चीज से बंधी हुई नहीं है और वहां पे कोई है भी नहीं। थोड़ी ही देर बाद वहां पे जो इन दोनों बंदों में से एक के ऊपर आके एक डंडा गिरता है जो पता नहीं किसने मारा है। जिसे देख के समझ में आता है कि वहाँ पे कोई तो है जो इन लोगों को वहाँ घुसने से, इधर उधर देखने से रोकना चाह रहा है। सिंक भी टूटा हुआ है। मुझे नहीं पता तुमने देखा नहीं देखा, बट अभी जस्ट बंदे का इसका रिफ्लेक्शन जो है इधर ही रुक जाएगा इसके मुड़ने पे, वो देखो। ये इजीली एडिट हो सकता है मास्किंग करके, बट अगर ये रियल है तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। दोबारा चले कमरे में। सो ये लोग घर का दूसरा हिस्सा जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी एक लकड़ी की कुछ काटी टाइप रखी रहती है, वो हवा में घूम जाती है।
खुरम। एंड ये लोग बिना कैमरा कट किए उसके पास भी जाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं है कि जो जिस चीज से ये बंधी हुई हो। और ये लोग बिना कैमरा बंद किए उसके पास जाके दिखाते भी हैं कि इससे हम लोग ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, कुछ बांध वगैरह नहीं रखा है कि हम इसको उछाल देंगे इतना ऊपर। तो यहाँ तक अभी तुम्हें चीजें देख के और सुन के इतना समझ में आ रहा होगी कि कुछ ना कुछ तो इस घर के अंदर अजीब है या फिर बहुत कुछ अजीब है। अभी इससे भी अजीब चीज जो होती है वो ये कि ये वहां पे उस घर के अंदर एक इंसान को या फिर एक आत्मा को या फिर जन्नात को देखते हैं जो इनके कैमरे में भी कैप्चर हो जाता है। क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास दोबारा दिला सकते हैं? क्या बगैर नुकसान पहुंचाए शाहिद? क्या हुआ खुरम? इधर से किसी ने झांका है। इधर से शाहिद, इधर से किसी ने झांका है। इधर से कोई देख रहा था, मैंने खुद देखा है। इधर से जैसे कोई देख ही नीचे उधर से कोई देख रहा था। और इन लोगों ने कैमरा तक बंद नहीं किया है, पूरा का पूरा एक टेक चल रहा है। क्या बगैर नुकसान पहुंचाए शाहिद? क्या हुआ खुरम? इधर से किसी ने झांका है। बकायदा देख के नीचे हुआ है। सो ये मैं वीडियो जो है दूसरी बार देख रहा हूँ और मुझे अभी भी उतना डर लग रहा है जितना देख के मुझे पहली बार में लगा था। करने को तो ये भी फेक किया जा सकता है, बट तुम जैसे देख सकते हो कि जो इधर दोनों गेट हैं कमरे के वो ठीक सामने हमें कैमरे में नजर आ रहे हैं, उधर कोई जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। और इतनी ऊपर से अगर कोई उतर के नीचे आएगा तो ये जो ड्रॉर्स हैं इनमें भी घुसने में थोड़ा तो उसको टाइम लगेगा। इन लोगों को जो है नीचे किचन के जो ड्रॉर्स हैं वो खोल के दिखाने चाहिए थे, क्योंकि उसे देख के समझ में आता कि उसके अंदर कोई है तो नहीं, इन्हीं का बंदा या फिर जेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। कि जैसे मैंने शुरू में तुम्हें बताया कि नीम के पेड़ के नीचे उनके जो दद्दू बुजुर्ग होते हैं वो सो रहे होते हैं, उनकी खाट पड़ जाती है, तो इनमें से एक बंदा जो है सेम चीज को मिमिक करता है। वो भी अपनी चारपाई लेके जाता है नीम के पेड़ के नीचे और उसको बिछा के उसके ऊपर, वहां चारपाई पे बैठने के बाद वो डिमांड करता है वहां पे जो भी एनर्जी होती है, जो भी बंदा या जो भी चीज होती है, कि तुम आके मुझे बताओ कि तुम यहाँ सही में हो गया, मुझे बिना कोई हार्म पहुंचाए। पर इस बार जो है चीजें इतनी आसानी से नहीं होती है। थोड़े ही टाइम बाद वो बंदा जिस चारपाई पे सो रखा होता है वो पलट जाती है। वीडियो देख के साफ समझ में आ रहा हो कि ये जो चारपाई है किसी रस्सी से या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं पलटी गई है, क्योंकि एक तो जिस तरह से ये पलटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि अगर देखो उधर से पलटने के बाद, एक बार ऐसे पलटने के बाद वो फिर से नीचे से बहुत ज्यादा तेजी से पलटी है, वो पॉसिबल नहीं है। अभी
अभी काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये इजीली एडिट किया जा सकता है लेकिन इजीली तो नहीं। एंड पर्सनली आई डोंट थिंक कि ये एडिट है, मतलब कि अगर उन्होंने एडिट करके भी बिलीव दिलाने की कोशिश की है तो ये लोग कामयाब हुए हैं। और इसका दूसरा बंदा भी इधर होता, हमें साइड एंगल या फिर किसी और एंगल से वीडियो देखने मिलता तो और अच्छा रहता, बट ये शायद दोनों अलग अलग इसीलिए हुए हों कि अगर दोनों पास होते तो इसके साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो जो भी एनर्जी थी वो आके यहाँ पे कुछ करती ही नहीं। तो अभी तुम लोग डिसाइड करो, कमेंट सेक्शन में मुझे ही बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये रियल है सब कुछ जो भी हुआ इन लोगों के साथ, अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता। ठीक है, इस वीडियो को हम इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें देख के अच्छा लगा हो, ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट करके, और चैनल सब्सक्राइब करो और आने वाली वीडियोस के लिए। ठीक है, टाटा एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अच्छा रहेगा थोड़ा। चार भाई में तो नहीं सोने वाले आज तुम। ठीक है भाई, बाय।